आज की वीडियो में पुराने रेडियो पे ब्लूटूथ लगाना सिखाऊंगा, यानी कि किसी भी पुराने रेडियो पर आप ब्लूटूथ लगा के उसे मोबाइल से गाना वगैरह उसमें प्ले कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी रेडियो ऐसा पड़ा हो जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बट उसमें ब्लूटूथ लगा कर आप उसमें ऑडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं, सुबह शाम भजन वगैरह सुन सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। वीडियो खासकर मैं एक सब्सक्राइबर की कमेंट पर बना रहा हूँ, बट आप लोग भी इसमें से सीख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक है मात्र 500 लाइक्स का है। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास दो रेडियो हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेडियो में बताता तो हो सकता है वो रेडियो उनके पास नहीं हो, फंक्शन अलग अलग भी होते हैं। बाकी आपको मैं आपके पास ये रेडियो नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा, जितने भी रेडियो हैं उसमें कहाँ कहाँ पर कनेक्शन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें बता देता हूँ, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मात्र एक आपको हाँ ब्लूटूथ लेना पड़ेगा। ब्लूटूथ के लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना होगा, मात्र 30-40 रुपये के आसपास की ये चिप आती है, हो सकता है आप लोगों के वहाँ सस्ती हो। इसमें 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर ही ऑपरेट हो जाता है, और यहाँ से 3 वायर्स निकलती हैं लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड की। मतलब रेडियो में ऐसा कोई आईसी रहती नहीं है जिसमें आप लेफ़्ट राइट दे सकें, बट यहाँ पर आप किसी भी लेफ़्ट के साथ ग्राउंड ले सकते हैं या फिर राइट के साथ ग्राउंड ले सकते हैं। एक वायर को आपने हटा देना है, यानी कि अलग कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अलग कर लेता हूँ। ब्लूटूथ से हमारी 3 वायर निकल रही हैं आउटपुट के लिए, एक राइट आउटपुट, एक ग्राउंड एंड एक लेफ़्ट आउटपुट। अभी यहाँ पर हमने लेफ़्ट एंड ग्राउंड को ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर उसी के कनेक्शन होने हैं, राइट को हटा देना है। बाकी इस ब्लूटूथ पे बहुत सिंपल कनेक्शन है, आपको कनेक्शन भी समझाता हो सकता है आप लोगों को पता नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए इस कनेक्टर को मैं निकाल देता हूँ, और इसके जस्ट नीचे क्या लिखा है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए एल आउट आर आउट एंड बीच में ग्राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है इस कनेक्टर के जस्ट नीचे। वैसे कनेक्टर नहीं होता, मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो चलिए आपको दूसरे में समझा दूँ जहाँ पर लिखा हो, ठीक है। इस टाइप का अगर आपके पास हो तो भी उसमें देखिए ये ए एन टी को छोड़ दो, बाकी इसमें 3 पॉइंट होते हैं आर और एल, आर ओ एल ओ बीच का ए जी, मतलब बीच का ग्राउंड है और उधर का लेफ्ट इधर का राइट। तो इस तरीके से ग्राउंड और लेफ्ट का वायर निकल जाएंगे। तो वैसे इसमें से मैंने आउटपुट करवा लिया है, ये देखिए इसमें से हमारा सिग्नल जाएगा। बाकी आप ये ब्लूटूथ का यूज़ करें भले वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट देने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बना होता है जिसमें से VCC और ग्राउंड लिखा होता है। VCC पे आपने 5 वोल्ट इनपुट कराना होता है। अगर आपके पास 5 वोल्ट का कोई सोर्स नहीं है तो भी आप 3 वोल्ट से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये ऑपरेट हो जाता है। मिनिमम 3 वोल्ट और मैक्सिमम 5 वोल्ट। वैसे यहाँ पर जिस भी बैटरी का आप इस्तेमाल करते हैं उससे आप 3 वोल्ट दे दीजिए, क्योंकि एक बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है और 2 बैटरी 3 वोल्ट की हो जाती हैं, तो उसी से 3 वोल्ट बना के आप इसे दे सकते हैं। एक छोटा सा स्विच इसे ऑन करने के लिए लगा सकते हो, वरना यहाँ पर पावर का स्विच दिया ही है। टोटल मिला के आपने इसे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट दे देना है। मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर चार्ज का। अब सिग्नल इनपुट की बात करानी, क्योंकि सबसे मेन बात होती है सिग्नल इनपुट हमें कहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं सेल को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सेल को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, आपको चला के दिखाता हूँ, रेडियो बिल्कुल ओके है। किसी टाइम पर पड़ा हुआ था तो मैं आपको यहाँ पर आज ये काम पर आ गया, ये आपको नए कुछ बनाने के काम पर आ गया। यहाँ पर FM मोड पर है और यहाँ पर ये मीडियम और शॉर्ट वेव पे है। बाकी इसमें एंटीना मैंने निकाल के रखा हुआ है, बाद में मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये अच्छी तरीके से चल पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर AUX या फिर ब्लूटूथ की बात है तो उसमें बताता हूँ। इसको मैंने वॉल्यूम पहले इसका डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्लूटूथ की चिप है, यहाँ से हमारा जो सिग्नल हमारे निकल रहे हैं, यानी कि जो ग्राउंड का है, ग्राउंड का आपने कहाँ से कनेक्ट करना है वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ग्राउंड का आप कहीं पर भी ग्राउंड पर दे देंगे, यानी कि जो बैटरी का ग्राउंड है वहीं से कनेक्ट कर लीजिए ग्राउंड का, यानी कि यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से ये ब्लूटूथ का जो आउटपुट आ रहा है आपका सिग्नल, उसमें जो ग्राउंड का पिन है उसको आप यहाँ पर नेगेटिव के पॉइंट से जोड़ो। नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पे भी आ रहा है, देखिए यहीं से घूमते हुए प्रिंट यहाँ पर आ रहा, तो नेगेटिव को आप इस जगह पर जोड़ लो, ठीक है। अब आपने नेगेटिव तो जोड़ लिया, अब यहाँ पर लेफ्ट या राइट जो भी आप ऑडियो दे रहे हैं वो कहाँ पर देना है, देखिए किसी भी वॉल्यूम स्विच के, आपको एग्जांपल के देने के लिए एक और वॉल्यूम स्विच यहाँ पर ले लूँगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास ऐसा वॉल्यूम स्विच ना हो रेडियो पे, ऐसा भी हो सकता है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का वॉल्यूम स्विच होता है देखिए, और पीछे आपके 2 पॉइंट होंगे जो उसको ऑन ऑफ करने में ऑन ऑफ के पॉइंट लगे होंगे, यानी कि इस टाइप का वॉल्यूम स्विच होगा जिसमें 3 आपके लगे होंगे, आगे के हटा दो, ठीक है, सिर्फ 3 ही होंगे ऊपर, पीछे के छोड़ दो, 3 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे, 2 तो आपके ऑन ऑफ के लिए हो गए। बाकी आपने करना क्या है,
जो ये एक वायर आपने ग्राउंड में जो कनेक्ट करी है बिल्कुल बिल्कुल ओके है, और एक वायर जो यहाँ पर आपकी बच गई है लेफ्ट या फिर राइट कुछ भी हो सकती है, इसे आप रेडियो के वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट में आप इस तरीके से कनेक्ट कर लोगे। अगर ऐसा वॉल्यूम स्विच है तो फर्स्ट में कनेक्ट कर लोगे, अगर ऐसा वॉल्यूम स्विच है, अगर इस टाइप का वॉल्यूम स्विच है, तो यहाँ से आपने सेकेंड नंबर की पिन पे आपने इसको किसी में सेकेंड में होता है किसी में, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ किस में होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन करके कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ब्लूटूथ मेरा इस मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है, ये वाला जो यहाँ पर चिप है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वायर को हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें ऑन कर लूँगा, तो यहाँ पर ऑन हो चुका है, और इस वायर को हम जोड़ लेंगे यहाँ से सेकेंड नंबर की पिन पे। देखिए देखिए, एक मिनट देखिए, ये देखिए, अब वॉल्यूम बढ़ाता हूँ इसका, ये देखिए, अब वॉल्यूम घटा दूंगा तो मैं, देखिए बंद हो जाएगा बिल्कुल, बढ़ाऊंगा, इसके सेल थोड़ा सा वीक है इसलिए लोड नहीं उठा पा रहे, बट यहाँ पर साउंड बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है, कोई हमिंग नहीं। देखिए आपको कम करके सुनाता हूँ, कम करके आपको लगता है कि यहाँ पर एफएम मोड पे है, तो वो एफएम का साउंड बिल्कुल नहीं। जब तक आपका ब्लूटूथ इसे कनेक्ट रहेगा तब तक यहाँ पर ब्लूटूथ ही चलेगा, बाकी अगर आप ब्लूटूथ को ऑफ कर दे तो एफएम मोड चालू हो जाएगा, बाकी इसको आप छेड़ो कितना भी कुछ छेड़ो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए यहाँ पर दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूँ, एक मिनट आवाज़ बढ़ा के, अभी आपको दूसरे रेडियो में भी बताऊंगा, ठीक है, आवाज़ कम कर लेता हूँ, बाकी एक दो और म्यूजिक सुना देता हूँ नो कॉपीराइट के, वरना यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता कभी कभी। चलिए यही वाला सुनाता हूँ, तो इसको रखता हूँ अब साइड पे, अब मैं दूसरे रेडियो पे प्रैक्टिकल करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ, अब दूसरे रेडियो में आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा। मतलब आप अगर रेडियो का मज़ा लेना चाहते हो तो ब्लूटूथ को ऑफ कर लेना, तब जाके आप रेडियो सुन सकते हो, ठीक है। आप समझेंगे कहाँ पर देना है, वॉल्यूम स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर, आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से है, और वॉल्यूम स्विच जो ये वाला वॉल्यूम स्विच है इस तरीके से सीधा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से सेकेंड नंबर की पिन पे आप लेफ्ट या राइट कुछ भी इसमें कनेक्ट कर लोगे। अगर तीसरे नंबर पे देते हो तो वॉल्यूम घटेगी नहीं, इसलिए आप दूसरे नंबर पे तो वॉल्यूम इस तरीके से घटना और बढ़ना तब काम करेगा इसका स्विच, ठीक है। और बाकी वो वाले वॉल्यूम स्विच पे भी आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया, फर्स्ट पॉइंट पे आपने कनेक्ट करना है, फर्स्ट वाले पे। बाकी एक जो ग्राउंड रहेगा वो बैटरी के ग्राउंड से अटैच हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पर इसको रखता हूँ मैं साइड पे, और मैं आपको दूसरे रेडियो पे दिखाता हूँ। यहाँ पर इस रेडियो में कुछ दिनों पहले मैंने एक मॉडिफिकेशन किया था, उसका वीडियो अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से जैक लगा के रखा हुआ है, और अंदर बैटरी और TP4056 मॉड्यूल अंदर फिट किया हुआ है, यानी कि अब जो बैटरी आप ख़रीदते थे बार बार महीने दो महीने में, भले आजकल रेडियो का प्रचलन कम हो गया, फिलहाल यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो काम कर सकते, क्योंकि मेरे पास कमेंट आती है उसी हिसाब से मैं वीडियोज़ को बनाते रहता हूँ। तो इस टाइप से मैंने इसको बनाया, रिचार्जेबल टाइप का, मतलब एक या दो महीना चल जाता है, मेरे तो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, इसलिए बैटरी यहाँ पर चार्ज तो नहीं है। यहाँ पर मैं दूसरी बैटरी इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर इसको मैं चलाऊँगा। चलिए मैं पहले दूसरी बैटरी इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर AUX देना है। और हाँ, इसकी रिपेयरिंग का यानी कि इसकी मॉडिफिकेशन का वीडियो हमारे चैनल पर ही है, उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस रेडियो को मैंने यहाँ पर बाहर खोल लिया है, अब यहाँ पर देखिए वही इसमें भी काम करना है, ये इसका ट्यूनिंग का है और ये वॉल्यूम का है, ठीक है। इसमें ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने खोल के लग किया, इसका स्पीकर थोड़ा ख़राब है और प्रॉपर यहाँ पर अच्छे साउंड नहीं आ रहा, बट यहाँ पर मैंने एक दूसरा स्पीकर लगाया ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर सुना सकूँ। बाकी सामान थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
यहाँ पर ये रेडियो का पीसीबी है, ये स्पीकर है और यहाँ पर बाकी ये सेल वगैरह कनेक्ट किया है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर इसके चैनल वगैरह ये पकड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का ऐसा इशू मुझे लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं करूँगा। बाकी हाँ, नो कॉपीराइट साउंड यहाँ पर AUX से चला के आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लूटूथ को इसमें कैसे लगाएं। देखिए यहाँ पर इस बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है, तो यहीं से हम ब्लूटूथ के, चलिए आपको सेटिस्फाई करने के लिए ब्लूटूथ के कनेक्शन मैं इसी में से कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर लूँगा और ये हमारा ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं मोबाइल डिवाइस को, मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मोबाइल से पहले इसको कनेक्ट कर लूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये ब्लूटूथ में जो सिग्नल निकल रहे हैं, एक आपका ग्राउंड का और एक आपका लेफ्ट या राइट कुछ भी हो सकता है, तो ग्राउंड के वायर को आप यहाँ पर जो नेगेटिव है, जो बैटरी से आ रहा है नेगेटिव, उस पर आप कनेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं सबसे पहले वही काम कर लेता हूँ, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले स्विच को मैं खोल दूँगा ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर दिख सकें, ठीक है। यहाँ पर इस स्विच को मैंने यहाँ पर खोल लिया है और जो बैटरी का नेगेटिव आ रहा है वो आ रहा है इस पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर नेगेटिव हमारा जा रहा है, तो यहीं पर हमने ग्राउंड को यहाँ पर सोल्डरिंग मार देना है इस तरीके से। चलिए इसको हमने सोल्डरिंग कर लिया है नेगेटिव से। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट को कहाँ पे देना है, आपको मैंने बोला था ना, आपने क्या करना है, दूसरे वाले वॉल्यूम स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे इसको आपने जोड़ लेना है। चलिए मैं इसको यहाँ पर सोल्डरिंग मार देता हूँ दूसरे वाले पॉइंट पे, लेफ्ट या राइट को आप दूसरे वाले पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे, जो वॉल्यूम स्विच का दूसरा वाला पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है, आपको एक बार फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए आप ये जो सेल है, इस सेल से इस ब्लूटूथ डिवाइस को मैंने ऑन कर लिया है क्योंकि आपको बताया था ये सेल भी 3 वोल्ट का है और ये भी 3 वोल्ट से आपका ऑपरेट हो जाता है, मिनिमम 3 वोल्ट से। बाकी यहाँ पर जो इसके सिग्नल के हैं, लेफ्ट और ग्राउंड या राइट या ग्राउंड भी हो सकता है, यानी कि ग्राउंड के साथ या राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ग्राउंड को तो मैंने जो यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव या फिर ग्राउंड जहाँ पर भी जिस पॉइंट पे आ रहा है आपने वहाँ पर उसको जोड़ लेना है। बाकी बचा लेफ्ट या आपका राइट का, उसको जोड़ लो आप वॉल्यूम स्विच के सेकंड वाले में, और हाँ वॉल्यूम स्विच के इस तरफ से सेकंड वाले पे भी जोड़ सकते हो, इधर से सेकंड वाले में भी जोड़ सकते हो। अब चलिए आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे चालू कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर साउंड आ रहा है, इसमें थोड़ा सा हमिंग मुझे देखने के लिए मिल रही है और हाँ किसी किसी रेडियो में आपको एक छोटी सी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है, अगर आपका AUX प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो आपने इसको ट्यून करना पड़ेगा, यानी कि ट्यूनिंग वाला बटन इसमें इधर उधर मूव करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा क्लियर होगी आवाज़, अगर मैं इधर को कर लेता हूँ तो साउंड नहीं आएगा, तो ऐसा आपको किसी किसी रेडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। आपका थोड़ा सा वॉल्यूम का इसका कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब सुनिए आप, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा हूँ मैंने बैकग्राउंड पे चला रखा, बट यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल घर में कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता इसलिए वहाँ पर वो प्रैक्टिकल करने के बाद कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बता दिया, इस वाले रेडियो में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बस किसी किसी रेडियो में ऐसा हो सकता है, अगर आपको साउंड क्लियर नहीं मिल पा रहा तो आप इससे ट्यून करके आप उसको आवाज़ को और क्लियर कर सकते हो। बाकी रेडियो में ब्लूटूथ तो आपको बता दिया मैंने कैसे लगाना है, और आपको अगर बैटरी को कैसे लगाना है ये सीखना चाहते हो तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। बाकी आप जिस रेडियो में ट्राई कर रहे हो सकता है उसमें और अच्छा साउंड आपको देखने के लिए मिले, ट्राई ज़रूर करना और अच्छा रिस्पॉन्स आए तो कमेंट ज़रूर मार देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।